ओला ने सी देखो, आलू बैगन टमाटर वाला जो फैमिली है, सब्जी वाली जो फैमिली है वो सोलनेसी फैमिली है ना। सबसे बड़ी जो है फैमिली सोलनेसी। मकोय क्या हुआ, चोखा फैमिली। हाँ हाँ, आलू बैगन और टमाटर, आलू बैगन टमाटर है ना, मिर्चा। तो ये जो है चोखा फैमिली इन्होंने कहा इसको, तो चोखा फैमिली तो नहीं, एनसीईआरटी में पोटैटो फैमिली लिखा हुआ है ना, पोटैटो फैमिली करके लिखा हुआ है यहाँ पे। और कह रहा है कि दुनिया भर में सब जगह पाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह आलू पाया जाता है, आलू बैगन मिर्चा सब जगह दुनिया भर में पाया जा रहा है ना। चलो ठीक है, उसके बाद जो है कि क्या लिया गया है, कुछ जगह के नाम दिए गए कि वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड में कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं। कह रहा है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, तो सब जगह मिल गया ये टेम्परेट, ये सारे रीजन में मिलने वाला है। छोटा छोटा क्वेश्चन, सबसे बड़की फैमिली हो गई, बड़ी फैमिली मतलब तीनों में जो है कि सोलनेसी लार्जेस्ट फैमिली, लार्जेस्ट फैमिली हो गई, और जो है पोटैटो फैमिली लार्ज है कि लार्जेस्ट है, है ना। पोटैटो फैमिली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई। अब सीधे सीधे आ जाओ जो है इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर पे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है ना, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में दे रहा है कि ये जो है, अब बैगन का पेड़ पे झूला तो पड़ने वाला नहीं है, आलू के पेड़ जो है कि कितने बड़े बड़े होंगे, मिर्चा कितना बड़ा बड़ा होगा है ना। तो ज़्यादातर जो पौधे हैं वो कैसे हैं, ज़्यादातर पौधे छोटे छोटे जो है हर्ब्स जैसे यहाँ पे मिल रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है झाड़ियाँ भी मिलेंगी, श्रब्स भी मिलेंगी, और देखो वहीं पे लिखा हुआ होगा जो है कि सबसे कम रेयरली ट्रीज करके लिखा हुआ होगा। आवाज नहीं आ रही, रेयरली ट्रीज ठीक। उसके बाद जो है स्टेम की बात उसने की, स्टेम में बहुत सारी वैरायटी दे रखी है। कह रहा है स्टेम भी जो है कि कैसी है, हर्बेसियस है, स्टेम भी हर्बेसियस है और एरियल है, तो एरियल तो ठीक है भैया, एरियल ही है, और सीधी इरेक्ट, मिर्चा का पेड़ है बैगन का पेड़ है सीधे है, सिलिंड्रिकल भी है ना। और कह रहा है कि बहुत सारी ब्रांचेस पाई जा रही है, ब्रांच्ड भी है, और कह रहा है कि ये जो है सॉलिड भी मिलेगा आपको, सॉलिड और साथ साथ जो है खोखला भी मिलेगा, तो बहुत ज्यादा वैरायटी है इसमें, हालो भी मिलेगा, सॉलिड भी मिलेगा, इरेक्ट भी मिलेगा, इतना समझ में आया। और एक खास बात जो नाम ही दिया गया है पोटैटो फैमिली, तो पोटैटो फैमिली जो है कि आलू वाले में कैसा मिलेगा स्टेम, अंडरग्राउंड मिलेगा, अंडरग्राउंड स्टेम भी मिलने वाला है है ना। तो किसमें मिलेगा, आलू में अंडरग्राउंड मिलेगा। पत्ती की बात कर लेते हैं, लीव्स, अब ये लीव्स में भी बहुत सारी वैरायटी है, इनका जो पैटर्न है वो कैसा है, अल्टरनेट है। चलो ठीक है, अल्टरनेट है ना। ये सिंपल लीव भी पाई जाएंगी, सिंपल लीव भी पाई जाएंगी, और जो है कि कंपाउंड भी पाई जाएंगी, सिंपल भी पाई जाएंगी और कंपाउंड भी पाई जाएंगी। और एक वर्ड वहां पे लिखा हुआ होगा रेयरली करके लिखा होगा, क्या, पिन्नेट। तो पिन्नेट वाली नहीं मिलने वाली है ना। दूसरा एक वर्ड लिखा होगा, पहले वाली फैमिली में स्टिपुलेट था, दूसरे वाले यहां पे एग्ज स्टिपुलेट, एग्ज स्टिपुलेटेड का क्या मतलब हुआ, मतलब जो है कि वो स्टिप्यूल जो है वो एबसेंट है, स्टिप्यूल जो है वो नहीं पाया जा रहा है, है ना। और एक चीज जो है कि रह गई क्या, लीफ में एक पाया जाता है अरेंजमेंट वेनेशन, तो इसका वेनेशन जो है वो कैसा मिलने वाला है, कोई बताएगा वेनेशन कैसा मिलने वाला है, रेटिकुलेट मिलेगा, वेनेशन जो है वो कैसा मिलेगा, आलू गोभी नहीं, आलू बैगन इन सब में जो है कि कैसा मिलेगा, रेटिकुलेट मिलेगा ठीक। हटाओ, हो गया ये वेजिटेटिव
एक बार फिर से जो है बता दो, सबसे पहले जो है कि लार्जेस्ट लार्ज फैमिली हो गई, पोटैटो फैमिली हो गई, फिर उसके बाद क्या है, कहाँ पाई जा रही है, सब जगह पाई जा रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जा रही है, ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक टेम्परेट रीजन में भी पाई जा रही है। उसके बाद स्टेम की बात, स्टेम इरेक्ट भी है, सिलेंड्रिकल भी है, हॉलो भी है, सॉलिड भी है, ब्रांच भी है, अंडरग्राउंड भी है, ठीक है। उसके बाद लीफ की बात करो तो लीफ सिंपल भी पाई जाएगी, कंपाउंड भी पाई जाएगी, लीफ में वेनेशन जो है वो रेटिकुलेट होगा, और जो है कि पिन्नेट बहुत कम पाया जाएगा। स्टेम जो है इसमें ट्रीज जो है वो भी बहुत कम पाए जाएंगे, रेयरली जो है कि पाए जाएंगे, है ना, अल्टरनेट मैनर में पाया जाएगा। फ्लोरल कैरेक्टर्स में, फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनफ्लोरेसेंस देखेंगे। कैसा इनफ्लोरेसेंस होना चाहिए भाई, है इनफ्लोरेसेंस कैसा होना चाहिए, इनफ्लोरेसेंस कैसा होना चाहिए, साइमोस होना चाहिए ना। साइमोस के साथ साथ एक वर्ड दिया है सॉलिटरी, है ना, एक वर्ड दिया है साइमोस के साथ साथ साइमोस या एक्सिलरी, ऐसे करके इनफ्लोरेसेंस में बोला गया है। और साइमोस में एग्जांपल दिया गया है जो है कि क्या, कि अगर वो साइमोस है तो किसमें पाया जा रहा है, सोलेनम। अब सोलेनम ट्यूबरोसम किसका नाम है, फिर बात कर रहे हैं जो है, आवाज आ रही है, फिर उसके बाद जो है फ्लावर्स की बात हो रही है, हाँ? ठीक, फ्लावर कैसे होंगे यहाँ पे, बाई बाई सेक्सुअल मिलेंगे, है ना, एक्टिनोमार्फिक। फ्लावर्स कैसे होंगे, बाई सेक्सुअल होंगे और एक्टिनोमार्फिक होंगे। एक्टिनोमार्फिक मतलब कौन सी सिमेट्री, कैलिक्स में सेपल कितने होंगे, सेपल फाइव, कैसे होंगे सेपल फाइव, गैमोसेप्लस, तो यूनाइटेड मतलब सेपल फाइव है तो गैमोसेप्लस। और एक चीज देखोगे जो है कैलिक्स है, तो बैगन वैगन पे देखोगे तो वो लगा रहता है, फ्रूट के साथ भी लगा रहता है, बैगन में देखो, टमाटर में देखो, वो चिपका हुआ रहता है, है ना। तो वहां पे एक वर्ड दिया गया है परसिस्टेंट, ऐसे देखो दिया गया होगा परसिस्टेड, परसिस्टेंट क्या दिया गया है ना। और एस्टिवेशन जो है, एस्टिवेशन, अब वो एस्टिवेशन एकदम सिंपल वाला जो है, वॉल्वेट टाइप का जो है कैलिक्स में एस्टिवेशन मिलने वाला है, ठीक। उसके बाद जो है बात करते हैं जो है पंखुड़ी की, करोला, तो करोला भी कितने मिलने वाले हैं, ये भी पांच ही मिलने वाले हैं, है ना, ये भी उसी की तरह जो है कि गैमो पेटलस यूनाइटेड हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, तो एस्टिवेशन इनका भी कैसा हो जाएगा, एस्टिवेशन इनका भी वॉल्वेट, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, एंड्रोसियम की। अब एंड्रोसियम में जो है एक चीज यहाँ पे जो है क्या, एकदम सरल सा है, कैसा, जब सब कुछ फाइव है तो ये भी फाइव है, स्टेमेन जो है, स्टेमेन भी कैसे हो गए, फाइव हो गए। एक वर्ड दिया है ईपी पेटलस, अब इस ईपी पेटलस का क्या मतलब है, ईपी पेटलस, है ना। एंड्रोसियम जो स्टेमेन है वो किससे अटैच है, पेटल से अटैच है, ठीक, बिल्कुल। गाइनोसियम की बात करते हैं, कैसी है गाइनोसियम, कितने कार्पल है, बाई कार्पलरी जो है गाइनोसियम, बाई कार्पलरी मतलब कितने कार्पल्स पाए गए, दो कार्पल्स जो है वहां पे पाए जाएंगे, चलो ठीक है। अब एक वर्ड दिया गया है ऑब्लीगेटली प्लेस्ड, है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऑब्लीगेटली प्लेस्ड,
एनोसियम जो है वो बाइकैपलरी ऑब्लिगेटली पेस्ट। अब ये जो है जैसे ये था अभी पेटल्स, ये कैलिक्स जो है वो यूनाइटेड, करोला जो है वो यूनाइटेड, तो यहाँ पे एक वर्ड जो है इसके लिए भी दिया गया है। क्या दिया गया है? सिनकार्पस। सिनकार्प बाइकार्पलरी का मतलब दो कार्पल है और ये सिनकार्पस है। सिनकार्पस, सिनकार्पस का क्या मतलब हो गया? यूयूएस। सिनकार्पस का मतलब जो है ये कार्पल्स फ्यूज्ड हो गए, है ना। और ओवरी जो है वो कैसी पाई जा रही है? ओवरी की पोजीशन जो है वो कैसी वाली है? सुपीरियर वाली है। हाइपोगाइनस या एपिगाइनस? हाइपोगाइनस, ठीक। और कुछ बच रहा है? क्या बच रहा है? अभी बहुत कुछ बच रहा है। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट बच रहा है, और उस जो है कि तो जब बाई कार्पलरी है तो बाई लॉकुलर भी है, बाई लॉकुलर है ना, मिला। प्लेसेंटा जो है इसका, प्लेसेंटा। अब आलू वाले में देखो या टमाटर को ऐसे काट के देखो, टमाटर में कैसा अरेंजमेंट दिख रहा है तुमको? टमाटर का क्रॉस सेक्शन ऐसे काटो, देखो कैसा दे रहा है, फिगर बना था, है ना। प्लेसेंटेशन जो है, प्लेसेंटेशन कैसा हो जाएगा? एक्साइल हो जाएगा, ठीक। प्लेसेंटेशन जो है वो एक्साइल हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। इसके फ्रूट्स जो है वो कैसे वाले मिलने वाले हैं? फ्रूट्स इसके जो है दो तरह के फ्रूट्स मिलेंगे। एक मिलेगा जो है कि बेरी, और एक मिलेगा क्या? दो तरह के फ्रूट्स मिलेंगे, कैप्सूल। तो कैप्सूल और बेरी, बेरी किसका एग्जांपल था? बेरी किसके टाइप थे? सब टाइप, फ्लैसी के कि ड्राई के? फ्लैसी फ्रूट का एग्जांपल बेरी है, ठीक है। फ्लैसी फ्रूट का एग्जांपल बेरी है, और ड्राई फ्रूट का एग्जांपल जो है वो कैप्सूल है। ड्राई में भी तीन थे, एक डिहाइसेंट, एक इनडिहाइसेंट और एक साइजोकार्पिक। तो ये किसका है? डिहेसेंट का है, ठीक है, डिहेसेंट का है। ड्राई में, ड्राई फ्रूट्स में डिहेसेंट में कैप्सूल, और जो है सिंपल, तो दोनों ही सिंपल वाले में मिल रहे हैं। सिंपल में ये जो है फ्लैसी फ्रूट का एग्जांपल बेरी है। तो बेरी हो गया, ये फ्रूट हो गया, एक्साइल प्लेसेंटेशन हो गया, बाइलॉक्युलर दो लॉक्यूल हो गए, ओवरी सुपीरियर हो गई, सिनकार्पस हो गई, बाइकार्पलरी। रटना है भैया सब ये, है ना। सीड्स, अब टमाटर के अंदर सीड्स तुमको कितने मिलने वाले हैं? एक या ढेर सारे? तो सीड्स बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो सीड्स हो गए मेनी, ठीक है। स्पर्म जो है, एंडोस्पर्म मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला? तो एंडोस्पर्मिक है ना, एंडोस्पर्म यहाँ पे मिलने वाला है। अब इसका बनाना पड़ेगा क्या? इसका बनाना पड़ेगा डायग्राम। तो इसका डायग्राम जो है ये हो गया, एक दो तीन चार और पाँच, इस तरह से इसका हो गया कैलिक्स। और सभी कैलिक्स जो है वो कैसे हैं? यूनाइटेड है, तो ये आपस में यूनाइटेड हो गए, ये कैलिक्स आपस में सभी यूनाइटेड हो गए। फिर उसके बाद जो है करोला, तो ये एक दो तीन चार और पांच, पांच जो है कि ये पेटल्स हो गए, और पेटल्स भी जो है आपस में कैसे हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड मतलब ये जो है पेटल्स भी आपस में जुड़े हुए हो गए, फ्यूज हो गए, यूनाइटेड हो गए। फिर उसके बाद बात कर रहा है एंड्रोसियम की, और एंड्रोसियम जो है वो स्टेमन कितने हैं? पांच हैं, और कह रहा है कि ईपी पेटलस है। ईपी पेटलस का मतलब जो है वो पेटल से जुड़े हुए हैं, तो पांच एंड्रोसियम जो है वो ईपी पेटलस स्टेमन पाए जा रहे हैं। ये हो गए जुड़े हुए स्टेमन से, जो है पेटल से जुड़े हुए पांच एंड्रोसियम हो गए, ठीक। अब उसके बाद बात आ रही है किसकी? ओवरी की। तो ओवरी कैसी है? बाइलॉक्युलर है, है ना, और एक्सियल प्लेसेंटेशन है। तो एक्सियल प्लेसेंटेशन ऐसे ही तो कुछ बना था, एक्सियल। अच्छा, अब सही है। तो ये हो गया इसका जो है फ्लोरल डायग्राम, और एक छोटी सी चीज बच रही है, क्या? फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला, तो सबसे पहले एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स जो है कितने? पांच यूनाइटेड। करोला कितने? पांच यूनाइटेड। एंड्रोसियम कितना जो है पाया जा रहा है? पांच। और एंड्रोसियम किससे जुड़ा हुआ है? करोला से, पेटल से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो है कि गाइनोसियम कितना है? बाइकार्पलरी है, और सिनकार्पस मतलब जुड़ी हुई है, है ना। और सुपीरियर ओवरी पाई जा रही है। एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स, फाइव यूनाइटेड, गैमोसेप्लस,
करोला जो है गैमोपेटलस 5 यूनाइटेड, एंडोसियम जो है स्टेमन जो है वो पेटल से जुड़े हुए हैं, तो ये ऊपर वाला हो गया, 5 हैं नंबर हो गया। ओवरी जो है वो बाईकार्पलरी है, यहाँ पे जो है बाईकार्पलरी 2 हो गए। सिम कार्पस है जो है कि रैकेट आ गया, सुपीरियर है नीचे बाहर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसके एग्जाम्पल जो है फूड के रूप में जो है, फूड के रूप में अभी सबको अभी बताया है टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये सब जो है खाने के रूप में हो गए, है ना। हाँ हाँ चोखा बन गया ये। ठीक, दवाई मेडिसिन वाला, मेडिसिनल प्लांट भी इसमें पाया जा रहा है और उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले से उसका यूज होता चला जा रहा है और सब लोग बहुत सुने होंगे, बेलाडोना, बेलाडोना और अश्वगंधा, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसको याद रखना। बेलाडोना प्लास्टर भी आता है उसका, हैंडी प्लास्टर से लगाने वाला दवाई बनती है उसका। और एक देखो बहुत ही सब इंटरेस्टिंग जो है रूपम बताएंगे, फ्यूमीगेटरी करके लिखा हुआ है, फ्यूमीगेटरी, फ्यूमीगेटरी मतलब जो है कि धुएं में उड़ा के जो है ना, है टोबैको भैया, टोबैको, टोबैको। देखो अंकिता खुश हो गई। और आर्नामेंटल, आर्नामेंटल में क्या हो जाएगा, एक बहुत ही अच्छा सा जो है फूल वूल निकलता है, पेटूनिया, ठीक, आर्नामेंटल। ये थी आपकी, मत चबा यार अच्छा नहीं लगता, तो पूरा फेस तुम्हारा जो है सीधे सीधे स्क्रीन पे आता है और उसी में तुम जो है कि वो नहीं हटा क्यों दोगे, वो मुंह से निकालो उसको। सोलनेसी फैमिली जो है हो गई, एक बार रिवाइज कर डालो पूरा, फिर लार्ज फैमिली हो गई, पोटैटो फैमिली हो गई, हर्ब्स पाए जा रहे हैं, श्रब्स पाए जा रहे हैं, रेयरली ट्रीज पाए जा रहे हैं, ठीक, ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जा रहे हैं, ट्रॉपिकल पाए जा रहे हैं, सब ट्रॉपिकल पाए जा रहे हैं, टेम्परेट पाए जा रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी इसका हो ही गया, स्टेम जो है वो भी हर्बेसियस ही है, स्टेम में क्लाइंबर भी मिलेगा, सिलेंड्रिकल भी मिलेगा, हालो भी मिलेगा, सॉलिड भी मिलेगा, ठीक है, स्टेम अंडरग्राउंड भी मिलेगा, मॉडिफाइड फूड का मॉडिफिकेशन भी हुआ है। लीव्स जो है वो अल्टरनेट पाई जाएगी, रेयरली पिनेट पाई जाएगी, लीव्स सिंपल भी पाई जाएंगी, कंपाउंड भी पाई जाएंगी, ठीक है। एस्टिपुलेट वहाँ पे एब्सेंट रहेगा तो एक एस्टिपुलेट पाया जाएगा। लीफ का वेनेशन जो है वो कैसा पाया जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा। बात आती है जो है फ्लोरल कैरेक्टर पे, फ्लोरल कैरेक्टर में जो है इन्फ्लोरसेंस, तो इन्फ्लोरसेंस जो है वो दिया गया है एक वर्ड जो है कि साइमोस, एग्जाम्पल स्पेसिफिक करके दिया गया है कि साइमोस सोलेनम फैमिली में पाया जा, सोलेनम में पाया जा रहा है, जीनस सोलेनम, है ना। और उसके बाद कह रहा है कि सॉलिटरी और एक्सिलरी वर्ड भी यूज किया गया है, सॉलिटरी और एक्सिलरी। उसके बाद कह रहा है कि फ्लावर जो है उसमें जो है एंड्रोसियम भी पाया जा रहा है, गाइनोसियम भी पाया जा रहा है, तो ये हो गया बाईसेक्सुअल। सिमेट्रिकल है जो है, अभी डायग्राम बनाए थे, चाहे वर्टिकल सेक्शन किधर से भी काटो जो है तो हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें रेडियल सिमेट्री है, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर उसके बाद जो है कि कह रहा है, क्या कह रहा है, उसके बाद जो है कि सेपल्स की बात कर रहा है, सेपल जो है उसमें कैलिक्स, कैलिक्स जो है उसमें सेपल्स जो है वो 5 हैं, 5 आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, वॉल्वेट टाइप का एस्टिवेशन है। फिर कह रहा है कि कोरोला जो है वो भी 5 है और 5 आपस में जुड़े हुए हैं, वॉल्वेट टाइप का एस्टिवेशन है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एंडोसियम, एंडोसियम भी कह रहा है 5 है और 5 एंडोसियम जो है वो पेटल से जुड़े हुए हैं, मतलब एक इंपॉर्टेंट करेक्टर हो गया ईपी पेटलस वाला। फिर उसके बाद जो है कह रहा है गाइनोसियम, गाइनोसियम में कह रहा है कि बाईकार्पलरी है, बाईलाकुलर है, सिन कार्पस है, एक्साइल प्रेजेंटेशन है, है ना। ओव्यूल्स जो है वो ढेर सारे पाए जा रहे हैं, तो सीड्स भी है ढेर सारे हो जाएंगे। फ्रूट्स जो हैं वो कह रहा है कि बेरी टाइप के या कैप्सूल टाइप के, बेरी वाला जो है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, सिंपल फ्रूट में जो है बेरी एग्जांपल हो जाएगा फ्लैसी फ्रूट का, और जो है कि ड्राई वाले में जो है कि ये एग्जाम्पल हो जाएगा डिहाइसेंट का, कैप्सूल, ठीक है। सीड कह रहा है कि ढेर सारे सीड हैं और इंडोस्पर्मिक हैं, फ्लोरल फार्मूला दिखी गया जो है कि क्या है फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम हो गया, फ्लोरल एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेपेल, ये हो जाएगा जो है कि यहाँ पे एक सिंबल ये याद रखना। उसके बाद कह रहा है कि फूड जो है उसमें टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली पाया जा रहा है, मेडिसिन में बेलाडोना, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, इसको निशान लगा लेना, बेलाडोना अश्वगंधा किसका एग्जाम्पल है, कैसा प्लांट है, मेडिसिनल है या क्या है। उसके बाद फ्यूमिगेटरी टोबैको याद ही रह जाएगा, आर्नामेंटल में पेटूनिया बहुत बार सब लोग लगाते हैं, घर में पड़ा रहता है।
तो ये छोटी सी फैमिली थी, इसी के साथ जो है ये खत्म हो गई।